IBC 24 पर पुणे की खबर चली तो इसका चर्चा हो रहा है, मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में इसका जिक्र हो रहा है। असल में पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग के पिता को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 लगातार सवाल उठा रहा था और उस पर अभी अपडेट यह है कि नाबालिग के बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग का पिता विशाल अग्रवाल गिरफ्तार हुआ है। हादसे में दो बाइक सवार की मौत हुई। आरोपी को निबंध लिखने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दे दी थी, क्योंकि विवेचना ठीक से नहीं हुई पुलिस के द्वारा। उमरिया और जबलपुर के रहने वाले थे दोनों छात्र, अनीस अवधिया और अश्वनी कोष्ठा, यानी एक महिला की मौत हुई और एक पुरुष की, दोनों की मौत हुई। पुणे में सॉफ्टवेयर कंपनी में ये दोनों काम करते थे। और अभी अपडेट यह है कि नाबालिग लड़के का जो पिता था उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो कोई एहसान नहीं किया है, नाबालिग है तो वो गाड़ी कैसे ले जा रहा था, 240 की रफ्तार से गाड़ी कैसे चला रहा था, क्या आपने उसे रोका? जमानत तो मिल गई उसे निबंध लिखने की शर्त पर। कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन दो लोगों की जान चली गई, दो घरों में क्या बीत रहा होगा वो तस्वीरें आप देख लीजिए, उन घरों में क्या बीत रही होगी वो आप देख रहे हैं। और IBC 24 सुबह से जब ये खबर चलाया उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में इस खबर की चर्चा है कि दो लोगों की जान चली गई और जिसने ऐसा कृत्य किया वो नाबालिग है और उसे जमानत मिल गई है। और पता है क्या करना है उसे, मैं बताऊं आपको क्या करना है, वो निबंध लिखेगा, ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा। लेकिन ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उमरिया की है, अब इनके घर पे तो वापस आएगा नहीं, इनके ऊपर जो बीत रही होगी इनकी सुनने वाला तो कोई नहीं है अब वो तो। लेकिन एक अपडेट इसमें ये है कि जिस नाबालिग ने ऐसा कृत्य किया उसे जमानत भले मिल गई हो लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाले कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इतने तेज से 12 की जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा, साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और किसी तरह से इनको छूट नहीं मिलना चाहिए। पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरा भतीजा था अनीस अवधिया। ये केस जो पुलिस ने विवेचना की है 304A की, इसमें 304A नहीं बनता है, 304 में विवेचना होना चाहिए और पुलिस पूर्णतः गलत विवेचना करी है, क्योंकि वो दारू पिया था, अपने से दारू पिया था और 240 की रफ्तार से उसने पीछे से हिट किया है। इस एक्सीडेंट में दो लोगों की मृत्यु हुई है जो कि टोटली गलत है और हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त सजा दी जानी चाहिए और तत्काल विवेचना तत्काल हो और उसकी कार्रवाई हो। हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की। साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को एल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की है। तो देखिए, परिजनों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस ने जो धारा लगाई है 304A वो ढुलमुल रवैया है, 304 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें दो लोगों की मौत हुई है, उमरिया और जबलपुर के रहने वाले थे दोनों छात्र जिनकी मौत हुई है। रईस जादे के कहर की वजह से दो घरों में बीत क्या रही है वो जरा इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जबलपुर और उमरिया की। और वो दारू पीकर, शराब पीकर गाड़ी चला रहा है।
और दो लोगों की जान ले लेता है, और उसके बाद वो नाबालिग है तो छूट गया जमानत पर, छूट गया, चूंकि इसमें माननीय न्यायालय की कहीं से कोई वो नहीं है, जो पुलिस विवेचना करेगी उसी आधार पर माननीय न्यायालय न्याय देता है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, इसमें पुलिस की विवेचना में गलती है, और इसी विवेचना को सुधारने के लिए जब आईबीसी 24 पर यह खबर चली, तब जाके उसके पिता को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके बेटे ने दो लोगों की जान ली है, और पुलिस जितना बचा सकी है, जितना बचा सकी है उतनी कोशिश की है, जितना बचाया जा सके, जितनी मामूली, अब कैसे बचा जाए, देखिए कानूनी दांव पेच तो पुलिस से बेहतर तो कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं, क्योंकि रोज का उनका यही काम है, सारी चीजें जानते हैं। तो उन्होंने जो विवेचना दी, आगे बात बढ़ाई, उसमें संगीन धाराओं के बजाय ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे वो बच जाए। ये दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में, आप देख रहे हैं उमरिया की तस्वीर है और जबलपुर की तस्वीर है, और इस खबर की चर्चा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, पूरा देश भी अब चर्चा कर रहा है कि ये क्या हुआ, दो लोगों की जान चली गई और जो आरोपी है उसको जमानत मिल गई, वो अब निबंध लिखेगा सड़क हादसे के मामले में। अगर यही स्कूल कॉलेज में लिखा होता और उसके माता पिता ने संस्कार दिया होता तो ये स्थिति ना बनती। फिलहाल दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक शर्मा जुड़ेंगे जबलपुर से, ओम प्रकाश गुप्ता जुड़ेंगे उमरिया से, इनसे पूरी जानकारी लेंगे हम और बताएंगे कि इनके घर वालों का क्या कहना है, क्योंकि इनके घर में सिर्फ 13 दिन नहीं, आने वाले जब तक है जीवन, जीवन पर्यंत इनके घर में दुख आ गया और इस दुख से उभरेंगे नहीं। दो संवाददाता हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश गुप्ता हैं। ओम प्रकाश, ये जो हादसे की चपेट में छात्र आया है उसके बारे में आप बताइए, उनके परिजनों का क्या कहना है वो भी बताइए, और जो नाबालिग को सशर्त जमानत दी गई है माननीय न्यायालय के द्वारा, उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, बताना चाहूंगा कि बीते कुछ दिनों पहले एक सड़क हादसा जो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, जो वहां से जो नाबालिग जो छात्र बालक था, एक रहीस जादे का बॉडी बिल्ड जो बिल्डर का है, वो काफी करोड़पति आदमी है, उसी का लड़का था, जो लड़का करीब 17 साल का था और नाबालिग था, तो आखिर और शराब के नशे में भी बुत था, वो तेज रफ्तार से वहां से आने के बाद बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिससे काफी उछाल पे जो लड़की है वो काफी उछाल पे गिरी, और जो बाइक सवार थे वो दो लोग थे, और घटना स्थल पे ही वो खत्म हो गए थे, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा था। बिल्कुल, जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त आप परिजनों के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है? इस वक्त आप परिजनों के साथ सुबह जब एक दर्दनाक हादसा पुणे में हुआ था, जो हिट एंड रन का मामला आया था, उसमें जबलपुर की जो युवा इंजीनियर थी रहने वाली अश्विनी कोस्ता, उसकी डेथ हो गई थी। इस वक्त मौजूद उसके घर पर आप देख सकते हैं कि घर के बाहर जो उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। घर जो अश्विनी के परिजन थे उन्होंने काफ़ी सपने संजोए थे कि इस घर से अश्विनी की जब शादी होगी तो डोलियाँ उठेंगी, लेकिन अब जो है डोली की जगह आज अश्विनी की अर्थी उठ रही है, घर के बाहर अर्थियाँ सज रही है। ये जो नज़ारा जो आस पड़ोस के लोग, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, वह उन सबकी आंखें नम हो चुकी हैं, क्योंकि अश्विनी जो है एक होनहार लड़की थी, बचपन से ही वह पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, हर परीक्षा में वह अव्वल आती थी, और बीते 4 सालों से वह पुणे में थी, पुणे में ही उसने इंजीनियरिंग की और उसके बाद जॉब भी वह वहीं कर रही थी। लेकिन रविवार की जो तड़के सुबह है वह कोस्टा परिवार के लिए एक बुरी खबर लेकर आई, जब अश्विनी सुबह अपने एक
के मित्र के साथ खाना खाने के बाद अपने रूम को लौट रही थी। उसी दौरान वहाँ के जो मशहूर बिल्डर हैं दीपक अग्रवाल, उनके 17 साल के नाबालिग बेटा जो पोर्श गाड़ी चला रहा था जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है, वह ये कहा जा रहा है जो घटना के चश्मदीद थे अश्वनी के जो दोस्त थे वहाँ पर, वह यही कह रहे हैं कि गाड़ी की जो रफ्तार थी पोर्श की वह लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की थी और उस गाड़ी ने पीछे से अश्वनी की बाइक को टक्कर मारी जिससे अश्वनी और उसका दोस्त उछलकर सड़क पर गिर गए और मौके पर ही उन दोनों ने दम तोड़ दिया। और उसके बाद उनके दोस्तों ने अश्वनी के परिजनों को वह मनहूस खबर सुनाई और कहा कि अश्वनी का एक्सीडेंट हो गया है, वह गंभीर हालत में है, इसलिए वह जल्द से जल्द पुणे आ जाए। उस कल सोमवार की सुबह उसके परिजन पुणे पहुँचे और उसके बाद तमाम प्रक्रिया पीएम की कराने के बाद अश्वनी के शव को कल देर शाम जबलपुर लाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि अब उनकी बेटी के जो है इस पर लाया गया अश्वनी के शव को। ये लेकिन ये बताइए कि जब ये फैसला आया और जिसने ऐसा किया जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जब वो छूटा है जमानत है, तो उस पर घर वाले क्या कह रहे हैं, अश्वनी के परिवार वालों ने आपसे क्या कहा? हाँ देखिए राहुल, जब मैंने अश्वनी के परिजनों से पूछा कि जो नाबालिग जिसने हिट एंड रन किया है, जिसने हिट की अश्वनी की गाड़ी को, उसको जुवेनाइल कोर्ट ने सिर्फ उम्र देखकर, ना कि अपराध की गंभीरता देखी बल्कि जो अपराधी है उसकी उम्र देखकर उसे जमानत का लाभ दिया, उसे सिर्फ ये कहा गया है कि वह जो है पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है पुणे की उसके साथ 1 हफ्ते का वक्त गुजारेगा, सुबह शाम उनके साथ जाएगा, उसके अलावा ट्रैफिक पर निबंध लिखेगा ताकि उसे ट्रैफिक का सेंस हो। तो जब ये बात उनके परिजनों को पता चली तो उनमें काफ़ी गुस्सा भी था। अश्वनी के परिजनों का कहना था कि भारतीय कानून सबके लिए एक होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि अगर अपराधी नाबालिग है तो उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस हादसे में एक नहीं दो दो लोगों की जान गई है, अश्वनी और अश्वनी के दोस्त की जान गई है और ये दोनों लोग जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अश्वनी चली गई, वो नाबालिग था तो गाड़ी चला रहा था 150 की रफ्तार के ऊपर जैसा कि आप ही बता रहे हैं, और वो निबंध लिखेगा, निबंध लिखेगा केवल। ओम प्रकाश, इस फैसले के बाद जी क्या कहना है परिजनों का? जी वही हमने जानकारी ली और परिजनों से बात की तो परिजनों में काफी क्रोध था और मातम छाया हुआ था क्योंकि उनका चिराग बुझ गया था। वो गए थे वहां पे काम करने के उद्देश्य से, वो गए थे अपना जीवन व्यापन के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जब यहाँ जानकारी मिली कि उनके बेटे का ये देहावसान हो गया है किसी सड़क दुर्घटना से, किसी कोई बीमारी से नहीं, तो उनके यहाँ पे पूरी तरह से पूरे माता पिता उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब में मातम छा गया। तो वही ये भी कहना था कि ये पूरी तरह से गलत हुआ है क्योंकि रईस जादे को करीब 14 घंटे में तत्काल जमानत मिल जाना एक ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। और इसके बाद में ये भी बताया गया कि लड़का नाबालिग था तो जमानत कैसे मिली, और सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़का नशे की हालत में था तो जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी जिससे हमको पूरी तरह से इसमें न्याय चाहिए, और न्याय की दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, इसमें सत्यता के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से दो जानें यहां पर चली गई हैं और जो कार्रवाई है उसमें ढिलाई भी बढ़ती जा रही है, ऐसा परिजनों का आरोप है। और निश्चित तौर पर उनका ये दुख जाहिर करना भी वाजिब है और उनका ये कहना कि उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हम सब कितने सपने लेकर अपने राज्य को छोड़ते हैं और किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वहां पर हादसा आपके साथ हो जाए और पुलिस के ढुलमुल रवैया की वजह से आपके साथ अन्याय हो तो कैसा लगेगा? पुणे हिट एंड रन केस मामले की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है जो मध्य प्रदेश से जुड़ी है। पुणे हिट एंड रन केस के मामले में फिलहाल अपडेट यह है कि नाबालिग का पिता गिरफ्तार किया गया। इतने भारी पुलिस ने नाबालिग के बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया है। नाबालिग का पिता विशाल अग्रवाल पकड़ा गया है। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हुई थी और पता है 2 बाइक सवार की मौत हुई थी शराब पीकर। ये नाबालिग शराब पीकर पोर्से गाड़ी 150 किलोमीटर की रफ्तार से भगा रहा था। 2 लोगों की जान चली गई जो कि उमरिया और जबलपुर के रहने वाले थे। 2 लोगों की जान चली गई जो कई ख्वाब लेकर
पुणे गए हुए थे और इसमें जमानत किस आधार पर दी गई पता है? महज 17 घंटे में जमानत दे दी गई कि वो दुर्घटनाओं पे निबंध लिखेंगे। नाबालिग ट्रैफिक पुलिस के साथ येरवडा जेल में 15 दिन तक काम करेंगे और इसके साथ उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। दो लोगों की जिंदगी चली गई, अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा के माता पिता का हाल क्या है वो हम दिखा रहे हैं। हाल क्या है अश्वनी कोस्टा के माता पिता का? दोनों बाइक से जा रहे थे और इसी बीच एक रईस जादे ने, जो कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था, तथा कथित नाबालिग था, ठीक है, गाड़ी कैसे मिली उसको? शराब पी के वो शराब पीने की तस्वीरें भी उसकी वायरल हो रही हैं। गलत ड्राइविंग की वजह से दो लोगों की जिंदगी चली गई, अब वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। उनके घर में मातम है आज और यहां पे मैच 17 घंटे में जमानत दे दी गई और वो तीन शर्त, उन तीन शर्तों के बारे में आज पूरा देश चर्चा कर रहा है कि 300 शब्दों का निबंध लिखना है सड़क दुर्घटनाओं पर, काउंसलिंग होनी है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ येरवडा जेल में काम करना है। ये है स्थिति आपके सामने। उस परिवार की स्थिति क्या है? हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। हिट एंड रन के मामले में एक अपडेट और है, पुलिस ने बार मालिक और बार मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। अब कर रहे हैं बार मालिक, यानी जब गलती हो जाती है उसे छिपाने की कोशिश है। एक तो आप जो FIR में है, आपका ढुलमुल रवैया, आप 304A के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं, यानी आसानी से जमानत मिल जाए, 304 क्यों नहीं लगाई आपने? ये देश तो पूछेगा। हादसे की रात नाबालिग आरोपी को शराब परोसी थी, उसे गिरफ्तार किया गया। बार में नाबालिग आरोपी ने पार्टी की थी, पार्टी करके इसी पोर्शे गाड़ी से जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ है, इसके माता पिता इसे फर्राटा भरने के लिए छोड़ दिए थे। 18 साल का नहीं हुआ और उसे गाड़ी चलाने की अनुमति दे दिए कि जाओ सड़क पे गाड़ी चलाओ, फर्राटा भरो। और ये अब देखिए, एक को जमानत मिल गई, एक को जमानत दे दी गई, अभिषेक शर्मा जबलपुर के हमारे संवाददाता जुड़े हैं और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मैं तनुज जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले अपने संवाददाता से रिपोर्ट लेता हूं चूंकि वो जबलपुर में मौजूद हैं। अभी वहां पर क्या हो रहा है जरा बताइए अभिषेक। देखिए राहुल, जो अश्विनी कोस्टा जो हिट एंड रन की शिकार हुई थी उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसी शक्ति नगर के साकार होम स्थित घर से यात्रा शुरू हो गई है। तमाम जो महिलाएं हैं उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं, आप देख सकते हैं। और अपने अंतिम पड़ाव पर अश्विनी निकल चुकी है, क्योंकि इस घर से अश्विनी के माता पिता ने कभी बहुत सपने संजोए थे कि उनकी बेटी की डोली उठेगी, लेकिन आज अर्थी उठ रही है। तमाम लोग नम आँखों से अश्विनी को विदा दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिट एंड रन केस में जो अश्विनी शिकार हुई वह एक नाबालिग की गलतियों का शिकार हुई है, लेकिन बावजूद उसको उस पर जो कार्रवाई होनी थी वह शुरुआती दौर पर कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद जब मीडिया ने आवाज़ उठाई अश्विनी की, और उसके बाद अब जो है पुलिस हरकत में आई, उन्होंने बार मालिक और बार मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया है, और जो नाबालिग है उसके खिलाफ BVS की एडल्ट की तरह ही उस पर कार्रवाई होगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आदेश है कि अगर 16 साल से ज़्यादा उम्र का अगर बच्चा है, 17 साल का है, 17.5 साल का है, और अगर वह
कानून का उसे तमाम तरह का ज्ञान है, अगर वह गाड़ियां चला रहा है, नशा कर रहा है, तो उसका उसे नाबालिग ना माना जाए, उसे बालिग मानकर कार्यवाही की जाए। लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। उसे जुवेनाइल कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखने के सजा देते हुए छोड़ दिया था, लेकिन जब इस मामले को मीडिया ने उठाया उसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है और तमाम कार्रवाई अब पुलिस कर रही है, दिखावे की कोशिश कर रही है। लेकिन उन दो परिवार, चाहे हम कोस्ता परिवार की बात कर लें या उमरिया पाली के रहने वाले परिवार की बात कर लें, इन दोनों परिवार पर गहरा दुख टूटा है, पहाड़ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इनके दोनों बच्चे होनहार थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, युवा इंजीनियर थे। इन जो युवा हैं जिनकी डेथ हो गई है हिट एंड रन में, उनकी आंखों में सपना था कि वह अपने देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके इस सपने को चकनाचूर करने का काम एक नाबालिग की गलती ने किया है, और उस नाबालिग की गलती का खामियाजा इन दोनों युवाओं को अपनी जान देकर जो है चुकाना पड़ा। और अब अंतिम पड़ाव पर जो यात्रा निकली है, यहाँ से अश्वनी की यात्रा जो है नर्मदा तट पहुँचेगी, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होगा। उसके तमाम जो परिचित के लोग हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, तमाम जो है ठीक है, यानी अर्थी निकल गई, एक घर से अर्थी उठ रही है। तनुज जी, आप तो कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता भी हैं, और दूसरी तरफ 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए उन्हें जमानत दे दी गई। मैं कोई माननीय कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ा आक्रोश है लोगों में। जरा बताइए ये कैसे, उसे किस आधार पर जमानत मिल सकती है? देखिए राहुल जी, मैं कल जब ये फैसला आया, जैसे कि सबको पता पड़ा बेल ग्रांट हुई उस पुणे वाले कांड में, एक्सीडेंट वाले मैटर में, तो मेरे हिसाब से आप हम सहित देश भर के समस्त नागरिक इस तरीके से शॉक्ड होंगे, क्योंकि एक तरफ भारत सरकार जो है कानून हिट एंड रन कानून में अमेंडमेंट करके पनिशमेंट को और बढ़ाने की कयास करा है, और जो पहले पनिशमेंट 304 ए में 2 साल तक का होता था, उस पनिशमेंट को बढ़ा करके, उस सजा को बढ़ा करके 10 वर्षों तक के कारावास का किया गया है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 106 में इसका अमेंडमेंट आएगा। तो हम ये देखते हैं, एक तरफ भारतीय कानून के अंदर, संविधान के अंदर बदलाव करते हुए, जहां भारत सरकार इस तरीके के हिट एंड रन मामलों को और कड़ी सजा मिले इस तरीके के अपराधियों को बहुत प्रयास कर रही है, वहीं अदालतें, ऑनरेबल कोर्ट्स इस तरीके के जजमेंट जब देती हैं, तो हमें लगता है कि दोनों जो कानून बन रहा है, और जितनी और सख्त कानून बन रहा है उसकी जितनी देश में आवश्यकता है उसका, लेकिन अगर इस तरीके से जजमेंट होगा तो निश्चित रूप से ये व्यवस्थित नहीं लग रहा है मुझे। जी एक चीज और, क्या पुलिस की विवेचना पर भी इसमें खामी देखने को मिली? चूंकि 304 एक के एक तो दर्ज किया उन्होंने, तीन परिजनों का कहना है 304 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए क्या होता है, जब भी कभी भी हिट एंड रन के मामले होते हैं तो सेक्शन 279, सेक्शन 337, सेक्शन 378 और 377 इस टाइप की जो धाराएं हैं, ये लगना बहुत अति आवश्यक होती है। लेकिन जब कभी भी सेक्शन 337, 338 अगर इम्पोज करा साथ में, इन पे तो फाइन एंड सजाएं कम है, साथ साथ जब कभी किसी की भी डेथ हो जाती है तो अभी तक 304 ए में मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी हाईएस्ट जो टेन्योर ऑफ पनिशमेंट है वो 2 साल का है अभी। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा भारत सरकार ने कानून में भारतीय न्याय संहिता, अभी क्या है, भारतीय न्याय संहिता जब लागू होगी उसके अंदर सेक्शन 106 के अंदर इस तरीके का हिट एंड रन केस में अगर कोई नॉर्मली मतलब एक्सेप्टेबल पॉइंट पर वहां गाड़ी रोकता है और सब करता है तो अप टू 7 ईयर्स के जेल का प्रावधान है, और ऐसा हिट एंड रन का केस करके अगर वो भाग जाता है उस जगह से, उस लोकेशन से, तो 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में जो कानून है वो उनकी धाराएं तो सभी पुलिस को लगानी चाहिए, और अगर मान लीजिए पुलिस ने कहीं चूक भी गई है, अगर किसी विवेचना में एक धाराएं नहीं भी लगी है, तो उनके पक्षकार के वकील जो है वो निश्चित रूप से कोर्ट के आवेदन के माध्यम से इन धाराओं में बढ़ोतरी करवा सकते हैं आगे। जी अब ये तनुज जी, आगे का क्या विकल्प है उनके परिवार वालों पर? चूंकि देखिए उनके यहाँ तो अर्थियां उठ रही हैं, और इधर 300 शब्दों का निबंध लिख रहे हैं नाबालिग, जो जिन्होंने टक्कर मार दी, 2 लोगों की जान ले ली। देखिए राहुल जी, आगे ये है कि वो सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में इस मैटर को, इस बेल को चैलेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है बेल निरस्त के लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं उनके वकील पक्षकार के जो है। और ये जो है निश्चित रूप से, देखिए क्या है, जमानत मिली है, लेकिन जमानत में का मतलब ये नहीं होता है कि सजा नहीं मिलेगी।
जमानत मिली है, ट्रायल चलेगा निश्चित रूप से। मुझे लगता है हिट एंड रन का एक गंभीर मामला है, राष्ट्र स्तर का मामला है, तो आज नहीं कल सजा तो जो भी प्रावधान के तहत होना है वो होगी। लेकिन अभी से बेल मिली है, बेल के निरस्तीकरण के लिए आगे आवेदन किया जा सकता है। नहीं तनुज जी, इतनी जल्दी बेल मिल जाना, महज 17 घंटे के अंदर दो लोगों की जान चली गई हो, आपकी वजह से जान गई है, उसमें 17 घंटे के अंदर ही बेल मिल जाना ना, इसमें तो इसीलिए तो पब्लिक में भी आक्रोश है, परिवार वालों में भी आक्रोश है कि इतनी जल्दी आपको बेल मिल गई। बेल, बेल का प्रावधान ऐसा है कि बेल किसी धारा के अंतर्गत बाध्य नहीं होती देने के लिए, बेल एक कंसेंट है, और अगर न्यायालय को उस कंसेंट को उस समय लगा होगा कि नहीं इन्हें बेल देनी चाहिए, जो भी उस समय उनके पक्षकार या उनके सामने वालों के वकील रहे होंगे, उन्होंने जो भी उसमें बहस करी होगी, तो उस आधार पे बेल मिलती। बट मैंने आपसे फिर यही कहा राहुल जी, इसको जरूर समझने की आवश्यकता है कि बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि इस केस में आगे सजा नहीं होगी। बेल मिलने का मतलब है अभी ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल होने के बाद में निश्चित रूप से, क्योंकि जो दो लोग मरे हैं वो भी वास्तविक है, और उसके आधार पर सजा का प्रावधान है, और मेरे हिसाब से न्यायालय में न्याय मिलेगा और उन्हें आगे सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, तनुज दीक्षित जी हैं जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अभी विकल्प खत्म नहीं हुए हैं, इसके आगे भी वो जा सकते हैं, और बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी, लेकिन जो 17 घंटे में ही बेल मिल गई, भाई आपकी वजह से दो लोगों की जान चली गई बड़ी लापरवाही की वजह से, और पुलिस अब आनन फानन में मामले को, जो आक्रोश बढ़ रहा है उसको दबाने के लिए, गुस्सा बढ़े ना, पिता की गिरफ्तारी और बार संचालक की गिरफ्तारी कर रही है, यही उसने कागजी कार्रवाई अच्छे से की होती तो बेहतर होता। बहुत शुक्रिया तनुज जी हमसे बातचीत करने के लिए, कानूनी दांवपेच से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए, और अभिषेक आपका भी बहुत धन्यवाद वहां अपडेट देने के लिए।